और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर ड्रग्स तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है और करीब 1300 करोड़ रुपए के ड्रग्स को बरामद किया गया है। बता दें पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए लोगों में से 5 भारतीय हैं। चंद दिनों के बाद ही नए साल का आगाज होने वाला है। अभी से ही कुछ लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। जश्न की इस तैयारी को नशे में डुबोने के लिए चंद लोगों ने खतरनाक प्लान तैयार किया था, ताकि डीजे की धुन के बीच ड्रग्स को खपाया जा सके। लेकिन नशे के सौदागरों का ये खतरनाक प्लान कामयाब नहीं हो सका और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ड्रग्स माफियाओं के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए करीब 1300 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ा कंसाइनमेंट कंटेनर के माध्यम से समुद्रिक रास्ते से इंडिया में आया था और उसी का एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया गया था, जो 55 केजी था और जो लगभग 20 केजी हमने पकड़ा। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे इस नेटवर्क के और भी लोग जिनकी जानकारी हमें मिल गई है, अगर उनको हम पकड़ते हैं तो और भी ज़्यादा सीजर्स होने की संभावनाएं हैं। ये वो लोग हैं जिन पर ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने का आरोप है। ये नशे की खेप को दिल्ली समेत कई राज्यों में खपाने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ड्रग तस्करों के इस सिंडिकेट के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 भारतीय हैं। आरोपियों के पास से भारत में 20 किलो कोकीन बरामद की गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 55 केजी कोकीन के साथ 200 किलो मेथामाइन ड्रग्स भी बरामद किया गया है। भारत में जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में पकड़ी गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत 1200 करोड़ आंकी गई है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया एक सबसे बड़ा ट्रायंगुलर नेटवर्क है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो कनाडा में हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, कई इंडियंस इन्वॉल्व हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में भी कई इंडियन ओरिजिन के हैं और कई कैनेडियंस भी हैं। अक्षिंदर सिंह सोधी जो पंजाब से गिरफ्तार हुआ था, वो 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा था और उसने ऑस्ट्रेलियन नेशनल से शादी भी करी थी और इसीलिए उसके ऑस्ट्रेलियन कनेक्शंस थे, तो एक वो मेन इनमें अभियुक्त था जो हमने पहले ही पकड़ा था। अभी जिनको हमने पकड़ा है उनमें 3 लोग जो पकड़े गए वो उत्तराखंड के रहने वाले थे और गाजियाबाद के थे। दोनों को मिलाकर इस गिरोह के जब्त किए गए ड्रग्स की कुल कीमत 1300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नशे के सौदागरों का नेटवर्क भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक फैला है। कई महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आरोपियों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। टीम न्यूज नेशन।